हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वह सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग को हम थर्मोडाइनमिक्स के नाम से भी जानते हैं। इस सब्जेक्ट का एक टॉपिक है फ्रेंड्स इंटरनल कम्बसन इंजन, इसको शॉर्ट में आईसी इंजन बोलते हैं। उसको आज हम समझाने वाले हैं तथा इसके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सके। इसके अलावा भी फ्रेंड्स मैंने दो सब्जेक्ट हैं जो थ्योरी ऑफ मशीन और फ्लूइड मैकेनिक्स, उनके मैक्सिमम वीडियो डाल चुका हूं। आप देखना चाहते हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। जैसा फ्रेंड्स यहां पर टॉपिक लिखा है इंटरनल कंबसन इंजन, तो इसका हम मतलब समझाएंगे फ्रेंड्स, उसी के थ्रू हम इसको क्या करेंगे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके जो यहाँ पर डायग्राम बना है उसके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप इसको अच्छे से समझ सके। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक। जैसा लिखा है इंटरनल, फ्रेंड्स इंटरनल का मतलब होता है अंदर, किसी के अंदर। कंबस्टन का मतलब होता है फ्रेंड्स जलना, किसी का जलना, ठीक है फ्रेंड्स। इंजन का मतलब होता है, इंजन का कार्य होता है जो फ्यूल से हमें जो हीट एनर्जी प्राप्त होती है उसको वर्क में कन्वर्ट करना, ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अब पूरे का मतलब होता है फ्रेंड्स कि किसी के अंदर, मतलब इंजन के अंदर क्या होता है, फ्यूल जलता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं इंटरनल कंबस्टन। इंटरनल कंबस्टन का मतलब फ्रेंड्स इंजन के अंदर फ्यूल जलता है। इंजन का मतलब होता है फ्रेंड्स उस फ्यूल की एनर्जी को क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, उसकी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ा, इंटरनल कंबसन इंजन। इसी के आधार पर फ्रेंड्स इसको डिफाइन किया गया है। इसका जो काम होता है फ्रेंड्स, जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी होती है, जो भी हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं उसकी क्या होती है, पहले पेट्रोल की और डीजल की केमिकल एनर्जी होती है, जब वो जलता है उसके बाद उसकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उस हीट एनर्जी को इंजन हमारा क्या करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह ये पूरा सिस्टम चलता है फ्रेंड्स। ये जो नॉर्मल इंटरनल कंबस्टन इंजन की जो हमारे एग्जांपल है, जो भी हम गाड़ी यूज करते हैं हमें हमारे आसपास देखते हैं, वो सब इंटरनल कंबस्टन इंजन के एग्जांपल है। जो भी जैसे यहाँ पर लिख दिया है मैंने, कुछ स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, बस है, ट्रक है, जो भी हमारे इंजन है, जितने भी हम यूज कर रहे हैं प्रैक्टिकल है, वो सब इंटरनल कंबस्टन इंजन की यूज कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दो डायग्राम बने, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसको आपको एग्जाम में बनाना है, इसलिए इसके हर एक पार्ट को एग्जाम करूंगा, एग्जाम में बनाने के पर्पज से हम समझाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा हम एक एनिमेशन डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बना दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये दिख रहा है ब्लॉक अंदर खाली खाली, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सिलेंडर। क्या बोलते हैं, सिलेंडर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर क्या होती है, पिस्टन आगे पीछे ऊपर नीचे क्या करती, गति करती है, मतलब स्लाइडिंग मोशन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके साथ एक कनेक्टिंग रॉड जुड़ी जाती है, क्या रहती है, कनेक्टिंग रॉड, ठीक है फ्रेंड्स। उसके साथ एक क्या रहती है, क्रैंक शाफ्ट जुड़ी जाती है, क्या रहती है, क्रैंक शाफ्ट। कनेक्टिंग रॉड क्या करती है, जो हमारा यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है, मतलब ऊपर नीचे जो आगे पीछे मूव करती पिस्टन, उसके थ्रू क्या करती, जो हमारी क्रैंकशाफ्ट रहती है उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करती, क्या करती, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करती, क्या, कनेक्टिंग रॉड, जो पिस्टन से और क्रैंकशाफ्ट से जुड़ी रहती है। इस तरह फ्रेंड्स हमारा पूरा इंजन क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पर क्या होता है, फ्यूल जलता है, जब ये ऊपर की ओर जाती तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, कंबस्शन, मतलब होता है फ्यूल का जलना। उस फ्यूल से क्या करता है, जो भी इंजन हमारी हीट एनर्जी को प्राप्त करता है और हमारा इंजन चलता है, इस तरह हमारा इंजन काम करता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये डायग्राम बना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा बड़ा करके और हर एक पार्ट्स को समझाता हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो डायग्राम दिख रहा है, ये तो एनिमेशन डायग्राम है जिससे आप समझ सकते हैं। ये जो हमारा एग्जाम में बनाना है इस डायग्राम को आप फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसके हर एक पार्ट्स को एक बार समझा देता हूं। जैसे यहाँ लिखा लुब्रिकेटिंग ऑयल, तो मतलब इसके अंदर क्या होता है, ऑयल भरा रहता है। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, जो ऊपर ये दिख रहा है ये भाग, ये जो भाग दिख रहा है ये फ्रेंड्स, इस तरह का ये भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्रैंक केस। क्या बोलते हैं, क्रैंक केस, यहाँ पर लिखा है क्रैंक केस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रैंक केस। यहाँ पर प्रैक्टिकल में देखते हैं इस तरह की दिखती है। इसके अंदर जो सिस्टम रहता है वो क्या रहता है फ्रेंड्स, क्रैंक शाफ्ट रहती है। क्रैंक शाफ्ट मीन्स होता है शाफ्ट के ऊपर क्रैंक लगी रहती है, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर एक क्रैंक रहती है, शाफ्ट के ऊपर क्या लगी रहती है, क्रैंक शाफ्ट। पूरे सिस्टम क्या बोलते हैं, क्रैंक शाफ्ट। यहाँ पर क्या रहती है, क्रैंक पिन रहती है, जो कि किसको कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग रॉड के एक भाग को, जो एक बिग एंड होता है इसका, एक स्मॉल एंड था, बिग एंड रहता है जो हमारी क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा रहता है, स्मॉल एंड कहाँ से, सिलेंडर से जुड़ा रहता है। ये होता है सिलेंडर फ्रेंड्स, यहाँ दिख रहा है ये सिलेंडर होता है, जो कि यहाँ पर देखेंगे ये दिख रहा है सिलेंडर का अंदर रहता है। क्रैंक शाफ्ट मैं बता चुका हूँ ये होती है, ये क्रैंक शाफ्ट रहती है फ्रेंड्स, ये कनेक्टिंग रॉड रहती है, ये दिख रहा है ये कनेक्टिंग रॉड रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका जो बड़ा एंड यहाँ से जुड़ा रहता है क्रैंक शाफ्ट से, जबकि छोटा एंड कहाँ से, जो हमारी पिस्टन रहती है उसके अंदर लगा रहता है, जो यहाँ पर लगा रहा है। ये गजेट पिन वगैरह दिख रहा है, ये मतलब जो हमारी जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसको कनेक्ट करके रखती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पिस्टन होती है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो पिस्टन आगे पीछे मूव करती है ऊपर,
स्ट्रोक लिखा फ्रेंड्स, स्ट्रोक का मतलब होता है जब ये जो हमारी पिस्टन है ऊपर से नीचे आती है, तो मतलब एक स्ट्रोक बोलते हैं, मतलब पिस्टन का जो मूवमेंट है उसको काउंट करते हैं। जब पिस्टन ऊपर से एक बार नीचे आ जाती तो हमारा एक स्ट्रोक हो जाता है, जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगी तो हमारे दो स्ट्रोक हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में फ्रेंड्स? क्या होता है जो पिस्टन जो दूरी तय करती है ऊपर से नीचे एक बार में, उसे हम बोलते हैं पिस्टन स्ट्रोक। ठीक है फ्रेंड, बोर बोलते हैं जो हमारा सिलेंडर का डायमीटर होता है उसे हम बोलते हैं बोर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल्यूम होगा जो यहां से यहां तक क्या करती मूव करती। बॉटम डेड सेंटर फ्रेंड्स, बॉटम डेड सेंटर लिखा है ये जो पिस्टन रहती है उसके जब नीचे की स्थिति में रहती है तो उस पिस्टन की पोजीशन को क्या बोलते हैं? बॉटम डेड सेंटर। जब ऊपर रहती है पिस्टन तो उस पोजीशन को बोलते हैं हम टॉप डेड सेंटर। क्या बोलते हैं? टॉप डेड सेंटर फ्रेंड्स। ठीक है, एक कूलिंग फिन्स रहती है जहां पर वाटर सर्कुलेट किया जाता है जिससे हमारा इंजन ज्यादा गर्म ना हो। ठीक है, सिलेंडर हेड रहता है जिसमें क्या रहता है फ्रेंड, जो सिलेंडर हेड लिखा है दिख रहा है, एक ऊपर का हिस्सा जो रहता है, जो हमारी पूरी स्ट्रक्चर रहता है ब्लॉक बोलते हैं जिसके, इसके ऊपर का हिस्सा क्या बोलते हैं? सिलेंडर हेड। वहां पर फ्रेंड्स क्या लगा रहता है? जो बॉल्ब लगे रहते हैं, तो एक इनलेट बॉल्ब लगा रहता है, एक एग्जॉस्ट बॉल्ब लगा रहता है। ऊपर इसमें अगर पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग लगा रहता है, अगर ये डीजल इंजन है फ्रेंड्स तो इसमें क्या है? एक इंजेक्टर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इंजेक्टर। इंजेक्टर ये वॉल्व स्प्रिंग रहती है फ्रेंड्स, जहां से ये क्या होता है ऊपर नीचे जब ये जो क्रैंक एंड फॉलोअर होता है उसके थ्रू मूव कर सके और जो आगे पीछे अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से जा सके। तो ये फ्रेंड्स इसके पार्ट्स थे जो मैंने समझाने की कोशिश की। अब हम इसके पार्ट्स को, एक एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा और उनके बारे में बताने की कोशिश करता हूं। तो पहला पार्ट मैं बता दूं, सबसे पहला होता है सिलेंडर ब्लॉक। क्या होता है फ्रेंड्स? सिलेंडर ब्लॉक। याद रख के सिलेंडर ब्लॉक ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है जो कि जो बियर रेजिस्टेंस कर सके, इसके अलावा जो हमारी हीट को रेजिस्ट कर सके, क्योंकि इस ब्लॉक के अंदर क्या होती है? हीट जनरेट होती है, कंबस्शन होता है फ्यूल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो सिलेंडर होता है पूरा उसके अंदर क्या होता है? हीट का कंबस्शन, मतलब हमारी फ्यूल जलता है। फ्यूल जलने से क्या होता है? उसकी हीट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अंदर क्रिएट होता है। तो ऐसे मटेरियल का बनाया जाता है पूरा ब्लॉक सिलेंडर का कि जिससे उस हीट को रेजिस्ट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो मैक्सिमम मटेरियल यूज किया जाता है वो था ग्रे कास्ट आयरन। क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन। ये पूरा ऊपर का ब्लॉक दिख रहा है, केसिंग वगैरह रहती नीचे, पूरा ऊपर का ब्लॉक, ये सब पूरा क्या होता है? सिलेंडर का ब्लॉक होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? सिलेंडर का ब्लॉक। इसके अंदर से जो हमारे पार्ट मेन स्टार्ट होते हैं वो होता है, पहला होता है पिस्टन। क्या होती है? पहली पिस्टन। तो इस पिस्टन को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो फ्रेंड्स हमारी पिस्टन कुछ इस तरह की होती है, एक्चुअल में इस तरह की दिख रही है आपको। यह जो मटेरियल की बनी जाती है वह कास्ट आयरन की होती है या फिर एल्यूमिनियम अलॉय की। इसका सिलेंडर के अंदर काम होता है फ्रेंड्स, एयर ऊपर नीचे गति करती, मतलब क्या करती? स्लाइड करती। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या करती है? जो केमिकल एनर्जी होती है फ्यूल की उसको किसमें? हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ऐसा कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये पिस्टन का काम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया। अब पिस्टन क्या करती है? इसके अलावा क्या होता है? पिस्टन से क्या रहती? कनेक्टिंग डॉट जो रहती है वह कनेक्ट रहती है। उसके थ्रू क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, जो हमारे पिस्टन आगे पीछे मूव कर रही, उसके थ्रू हमारी क्रैंकशाफ्ट मूव होती है। उसमें क्या होता है? सर्कुलर मोशन हमें प्राप्त होता है, मतलब ये क्या आती है? ऐसी गोल गोल घूमती है, उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन हमें प्राप्त होता है। अब फ्रेंड्स इसकी बनावट के अकॉर्डिंग देखें और इसके पार्ट्सों को देखें, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो उनको भी समझ लेते हैं। अगर आप डायग्राम बना के समझाना चाहें तो इस तरह का बना सकते हैं। यहां पर देख रहा है ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हेड बोलते हैं। जबकि ये लेट्स होते हैं जो हमारी ग्रुप्स के ऊपर का हिस्सा जो रहता है, अंदर बीच में क्या कटे रहते हैं फ्रेंड्स? ग्रुप्स कटे रहते हैं। क्या कटे रहते हैं? ग्रुप्स। जिसमें क्या रहती है फ्रेंड्स? जो हमारी रिंग्स रहती हैं, जिसे बोलते हैं पिन, जो रिंग्स रहती हैं इस ग्रुप्स में क्या रहती है? फंसी हुई रहती है। ठीक है, जिससे कि हमारे लीकेज ना हो और जो टेम्परेचर प्रेशर को एक सहन कर सके, उस दौरान कोई भी इसमें लीकेज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पिस्टन पिन बॉक्स होता है जो नीचे के हिस्सा दिख रहा है अंदर, तो यहाँ बीच में क्या रहती है? जो हमारी एक होल रहता है जिसे बोलते हैं गजेट पिन वगैरह रहती है, यहाँ पर कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, नीचे के हिस्से को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? स्कट बोलते हैं। तो इस तरह का आप एग्जाम में अगर डायग्राम बना के समझाना चाहें तो समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पिस्टन थोड़ा समझ में आया होगा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट समझते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पिस्टन के ऊपर जो रिंग्स लगी रहती है वो कुछ इस तरह की होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देख रहा है ये रिंग फेस होता है इनका, इस तरह सर्कुलर मोशन में होती है। यहाँ पर लेकिन कट रहता है, दोनों में कट रहता है जिसमें इसके ऊपर आसानी से इसके बीच में फंसाया जा सके, इसे बोलते हैं रिंग गैप बोलते हैं। इसका रिंग साइड रहती है, इसकी रेक्टेंगुलर रहती है, इसकी कुछ चौड़ाई रहती है फ्रेंड्स, इसका रिंग का डायमीटर रहता है। अब इसमें दो टाइप्स की, ऊपर की जो रिंग रहती है वो नॉर्मल रिंग रहती है, जबकि नीचे की एक रिंग रहती है उसे हम ऑयल रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ऑयल रिंग, जो कि इस तरह की होती है, जो ऊपर की बनी इस तरह की होती है, जो नीचे यहाँ पर बनी हुई डायग्राम इस तरह का रहता है।
ठीक है। ये ऑयल बेड रहते हैं यहाँ पर, ये ऑयल चैनल बोलते हैं इसको, एक कनेक्टिंग हेड्स रहता है जो कि यहाँ से कनेक्ट रहती है, जो कि बीच में गैप रहता है। तो इस तरह की कुछ हमारी रिंग्स होती हैं जो इन ग्रुप्स में लगी रहती हैं फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूँ, जिससे हमारे ऑयल वगैरह का लीकेज ना हो जब हमारा टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर हाई हो उस तरह। तो हमारी ये रिंग का काम करते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट से फ्रेंड कनेक्टिंग रॉड देखेंगे आप, तो कनेक्टिंग रॉड इस तरह की होती है। इसका स्मॉल एंड होता है जबकि ये बिग एंड होता है, ये बड़ा एंड होता है। स्मॉल एंड कहाँ फंसा रहता है, अंदर सिलेंडर के अंदर, जबकि बड़ा एंड कहाँ, यहाँ क्रैंक शाफ्ट से क्रैंक पिन के द्वारा यहाँ पास कस दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसका काम मैं बता चुका हूँ क्या होता है। जो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, कौन सा, जो हमारी पिस्टन सिलेंडर के अंदर, उस मोशन को इस कनेक्ट करके किसमें, क्रैंक शाफ्ट को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो देख रहा है यहाँ पर कनेक्ट है, इसको ऐसे ऐसे मूव कर। इसको और भी हम अच्छी तरह बताएं तो इस तरह पूरा पार्ट्स इसके बताता हूं मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह पूरा कनेक्ट रहता है। एक कैप बोल्ट्स रहते हैं जो कि यहाँ पर ये कस जाते हैं फ्रेंड्स, और ये नट्स रहते हैं, कनेक्टिंग रॉड कैप रहता है फ्रेंड्स, बियरिंग्स रहती है जो अंदर इसमें फंसी रहती है, इससे कि आराम से आसानी से मूव हो सके। यहाँ पर पिन रहता है जो कि यहाँ पर कट होता है, एक गजन पिन रहती है जो कि यहाँ पर हम बताया, जैसे यहाँ पर फिक्स रहती है, जो कि इसकी स्मॉल एंड को जो हमारा पिस्टन रहती है उससे कनेक्ट करके रखती है। इसके अलावा ऊपर के भाग देखें, जो पिस्टन के ऊपर रिंग्स लगे रहती हैं उसको मैं समझा चुका हूँ फ्रेंड्स ऑलरेडी। इस तरह का आप एक कॉम्बिनेशन देख सकते हैं किस तरह ये कनेक्ट रहती है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखते हैं फ्रेंड्स। ये होता फ्रेंड्स, ये देख रहा है, ये होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट। ये नीचे देख रहा है, इस तरह के ये भाग देख रहा है, एक क्रैंक शाफ्ट होती है। इसमें ये कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन का पूरा कॉम्बिनेशन दिखाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके थ्रू, हमारी कनेक्टिंग डॉट के थ्रू, और जो हमारा पिस्टन मूव होता है सिलेंडर के अंदर उसके थ्रू ये हमारा कैसा मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका काम है क्या, कनेक्टिंग डॉट क्या काम कर रहा है, इसके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को जो ऊपर नीचे मूव करता है स्लाइडिंग मोशन, उसको किसमें, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, क्रैंक शाफ्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्रैंक शाफ्ट मूव होने की वजह से हमारे जो पीछे के पहिए चलते हैं गाड़ी के, वह चलने लगते हैं और हमारी गाड़ी मूव होने लगती है। किसकी वजह से, क्रैंक शाफ्ट की वजह से। तो आपको फ्रेंड्स क्रैंक शाफ्ट का काम समझ में आएगा और मूवमेंट कैसे करते हैं यह समझ में आ गया। ठीक है, ये कनेक्ट कहाँ रहते हैं, इसके बिग एंड पे कहाँ, कनेक्टिंग रॉड के, स्मॉल एंड कहाँ रहता है, कनेक्टिंग रॉड का ऊपर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्या है, यह है क्या करती है, जो हमारे रेसिप्रोकेटिंग मोशन है उसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करने का काम करती है। रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, जो ऊपर नीचे हमारी पिस्टन है, जो हमारी सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करती है उसे बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और जबकि एक कैसा मूव करने लगती है, सर्कुलर ऐसा घूमने लगती है, राउंड राउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो उससे हमारे पीछे के पहिए चलते हैं। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। अब इसके कुछ एक दो पार्ट्स और हैं, उनको भी समझ लेते हैं। क्रैंक शाफ्ट का फ्रेंड्स एक डायग्राम और समझ लेते हैं, जिसमें अगर आप एग्जाम में बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इस तरह का देखेंगे आप, यहाँ मेन बियरिंग, जनरल बियरिंग होती है जो की मूव करती है, ऑयल एंड यहाँ ड्रिलिंग होती है ऑयल वगैरह के लिए, क्रैंक वेब्स रहती है, ऑयल थ्रोअर रहती है, ऑयल रिटर्न थ्रेड रहती हैं। तो इस तरह का पूरा कॉम्बिनेशन होता है, जिस तरह का बना रहता है हमारी क्रैंक शाफ्ट का, ये पूरा कॉम्बिनेशन दिख रहा है। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं एग्जाम में बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। ये होते हैं फ्रेंड्स वॉल्व। क्या होते हैं वॉल्व, दो टाइप्स के वॉल्व यूज करते हैं इसमें, एक होता है इनलेट वॉल्व, एक होता है फ्रेंड्स एग्जॉस्ट वॉल्व। इनलेट वॉल्व का काम होता है हमारा जो फ्यूल होता है उसको अंदर करना। अगर पेट्रोल इंजन है तो उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सर दोनों अंदर आते हैं, जबकि डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर का मिक्सर अंदर आता है। एग्जॉस्ट वॉल्व का काम होता है फ्रेंड्स जो भी हमारे जो बर्न होने के बाद जो गैसें होती हैं उनको बाहर निकालना। ये हमारे क्या होता है, वॉल्व का काम होता है, कुछ इस तरह के होते हैं। अब इसका भी हम डिस्क्रिप्शन देखें तो हम बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम देखें तो यहाँ पर जो एंगल रहता है 45 का रहता है, वॉल्व एंगल बोलते हैं इसको। ऊपर के हिस्से को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, ए वाले हिस्से को हेड बोलते हैं, जबकि ये बीच में मार्जिन दिया रहता है इसके बीच में। यहाँ पर इसको स्टेम बोलते हैं, पूरे जो हमारा सर्कुलर राउंड राउंड हमारा पूरा सिलेंडर की तरह होता है, सॉलिड रहता है लेकिन ये। और ये बोलते हैं स्प्रिंग रिटेनर लॉक ग्रुप बोलते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होता है लॉक हो जाता है, जहां देख रहा है ऊपर की ओर इसकी में यहाँ पर क्या लगी जाती है, स्प्रिंग लगी जाती है फ्रेंड्स। अब इसका एक पार्ट और है, उसको भी समझ लेते हैं, कैम एंड फॉलोअर। ये इस तरह का होता है फ्रेंड्स कैम एंड फॉलोअर। नीचे क्या कैम लगा रहता है, ऊपर क्या होता है फॉलोअर। ये ऊपर नीचे क्या होता है, सीधा स्लाइड करता है, गति करता है। किसकी वजह से करता है, कैम मूवमेंट होता है, कैम मूव करता है उसकी वजह से हमारा फॉलोअर ऊपर नीचे गति करता है। उसकी वजह से हमारा जो वॉल्व रहता है ये खुलता बंद होता, खुलता और बंद होता है। किसकी वजह से, एक कैम एंड फॉलोअर की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। इसको और भी मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ। जी देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह पूरा ये फिटिंग रहती है, कहाँ पर, जो हमारी वॉल्व रहता है इसको ऊपर नीचे, क्या ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है, तो ये जो वॉल्व रहता है जो हमारा एक बंद होता खुलता है, बंद होता खुलता है।
जिससे हमारा जो फ्यूल और जो हमारा फ्यूल है, एयर है, वो अंदर जा सके इंजन के अंदर, कार्बोरेटर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आया, यहाँ पर मूव करता रहता है, जो हमारा फ्लो रहता है ये ऊपर नीचे ऐसा मूव करता रहता है। तो इस तरह का ये वॉल्व के ऊपर कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा ही टच रहता है, जिसे बोलते हैं रॉकर आर्म। क्या बोलते हैं? रॉकर आर्म। जो ऊपर जाएगा तो ये खुल जाएगा, जैसे नीचे आता है ये बंद हो जाता है। यहाँ पर स्प्रिंग लगी जाती है, उसके थ्रू ये ऊपर नीचे इस तरह मूव होता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पार्ट्स थे इंजन के, कोशिश की मैंने समझाने की। अगर आपको समझ में आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।